बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम था। बाबा साहब अंबेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोड़ते थे। बाबा साहब अंबेडकर जैसे एक प्रकार कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। सामाजिक समता, सामाजिक न्याय के पक्षकार थे, वे आर्थिक समृद्धि के पक्षकार थे और वे आधुनिक विज्ञान के पक्षकार थे, आधुनिक टेक्नोलॉजी के। जब मैं न्यू इंडिया को जातियों के बंधन से मुक्त करने की बात करता हूं तो उसके पीछे युवाओं पर मेरा अटूट भरोसा होता है। आज की युवा शक्ति बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा रखती है। साथियों, ये हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थान, जिसे मैं हमेशा पंचतीर्थ के तौर पर पुण्य भाव से स्मरण करता हूं, उन्हें विकसित करने का हमें अवसर मिला। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसी कालखंड में बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है।